में अभी की बड़ी खबर टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 16 हाल ही में खत्म हुआ है। बिग बॉस का ये सीजन काफी मजेदार रहा। एमसी स्टेन ने बिग बॉस 16 को अपने नाम कर लिया। ट्रॉफी के रेस में कई सदस्य थे लेकिन एमसी स्टेन ने बाजी मार ली। वहीं प्रियंका चाहर चौधरी ने भी टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। बता दें कि प्रियंका चाहर भले ही ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रही है लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों को बखूबी जीता है। बीते दिनों ये खबर सामने आई थी कि प्रियंका शाहरुख खान की मूवी डोंकी में नजर आने वाली है। इसी विषय पर अब प्रियंका ने रिएक्ट किया है। बिग बॉस 16 के घर में सलमान खान ने प्रियंका चाहर चौधरी की जमकर तारीफ की थी। सलमान ने ये भी कहा था कि उनके पास प्रियंका के लिए बाहर कुछ खास है। इसी के बाद से ये चर्चा होने लगी कि प्रियंका शाहरुख की अब अपनी मूवी डोंकी में नजर आने वाली है। इससे पहले जब प्रियंका से इसके बारे में पूछा गया था तो उनके पास कुछ खास जानकारी नहीं थी लेकिन अब प्रियंका चाहर चौधरी ने इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। टेली चक्कर को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि अभी तक इस मूवी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं और इसके लिए बेताब हैं।